असलम स्टूडेंट्स आई एम योर केमिस्ट्री टीचर टुडे 23 अप्रैल 2020 दिस लेक्चर फॉर ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स नाइन्थ सीनियर ठीक है चैप्टर नंबर थ्री हम लोग पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बेसिक डेफिनेशंस, एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट द टॉपिक्स विच विल बी रिवाइज टूडे ब्लॉक ऑफ एलिमेंट ट्रांजिशन एल मेटल्स या एलिमेंट भी कह सकते हैं ठीक है ऑटोमिक रेडियस ट्रेंड्स ऑफ अटोमिक रेडियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको जी इफेक्ट भी कहते हैं एंड शील्डिंग इफेक्ट एंड ट्रेंड्स ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ठीक है ये सारे टॉपिक आज आप लोग पढ़ेंगे तो इनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने पहले याद नहीं किए हुए तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है ब्लॉक ऑफ एलिमेंट जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो हैं वो बेस करता है अटोमी नंबर पे और उसमें सेवन पीरियड्स और एटीन ग्रुप्स होते हैं ठीक है पीरियड्स जो कि आप लोगों के पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जबकि ग्रुप्स जो आप लोगों के पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ठीक है, है? यहाँ पे आप लोगों के पास टेबल आप लोगों को एक नजर आ रहा है पीरियडिक टेबल इसमें ब्लॉक बनाए हुए हैं और दिखाए भी हुए हैं जो आप लोगों का ग्रीन वाला ब्लॉक है जिसमें दो ग्रुप्स आते हैं ये कहलाता है एस ब्लॉक इसको एस ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस सब शेल में पाए जाते हैं उसके बाद आ जाता है पी ब्लॉक जो कि रेड वाला पोर्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है ये पी ब्लॉक कहलाता है इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किसमें में पी सबशैल में जैसा कि मैंने आप लोगों को सी एल की एग्जाम्पल दी थी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं फाइव इलेक्ट्रॉन वो पी सब शेल में पाए जाते हैं उसके बाद आ जाता है ये ब्लू वाला पोर्शन जिसको आप लोग कहते हैं डी ब्लॉक इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में पाए जाते हैं और उसके नीचे टेबल के नीचे जो है वो आप लोगों को नजर आ रहा है येलो कलर के दो रोज हैं ठीक है ये आप लोगों के पास एफ ब्लॉक हैं और ये एक्टेनाइड और लैंथेनाइड की सीरीज हैं इनके वेनस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसमें होते हैं एफ ब्लॉक में उसके बाद आ जाता है और इसकी डेफिनेशन ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर सबशेल पर्टिकुलर मखसूस साबशेल की कम्प्लीशन के वो कहाँ पर कम्प्लीट हो रहा है एलिमेंट विद सिमिलर सब साबशेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर कार्ड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट के यानी कि जो जिनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती हैं वो भी एक ही ब्लॉक में पाए जाते हैं देयर आर फोर ब्लॉक्स इन दिडिटेबल ये एम सी क्यूज में भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन टेबल तो आपने फोर वाले पे टिक करना है तो चार ब्लॉक होते हैं नेम्ड आफ्टर ऑफ सब शेल सब शेल के अकॉर्डिंग जो है वो ये नाम रखे गए हैं विच इज इन द प्रोसेस ऑफ कम्प्लीट कम्प्लीशन बाय द इलेक्ट्रॉन ठीक है जो कि इलेक्ट्रॉन की कम्प्लीशन पे डिपेंड करते हैं देयर आर अब वो कौन से सब शेल हैं सब शेल मैंने आप लोगों को बताए थे एस है पी है डी है और एफ है ठीक है एक्स्ट्रा जाती हैं ट्रांजिशन मेटल ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जो आपकी बुक में है वो सिंगल लाइन की है मैंने उसको थोड़ा एक्सटेंड किया है तो जिसको आ, बुक वाली याद है तो बुक वाली भी लाइन लिखी हुई है ऊपर ठीक है फर्स्ट जो है वो फर्स्ट लाइन और सेकेंड हाफ लाइन जो है वो बुक पर मौजूद है लेकिन आगे मैंने जो है वो एड किया है आपको यहाँ पे भी टेबल नज़र आ रहा है और इसमें येलो वाला पोर्शन नजर आ रहा है बाकी सारा डिम है तो येलो वाले पोर्शन को क्यों हाईलाइट किया है ये येलो वाला पोर्शन ही ट्रांजिशन मेटल्स कहलाती हैं ठीक है और ये से बिलोंग करती है। आप हैं आप लोगों ने अब भी जो है वो देखा कि ये डी ब्लॉक से बिलोंग करती हैं तो इनको आप लोग कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स ट्रांजिशन का लफ्जी मतलब होता है वेरिएबल चेंज होना ठीक ईच पीरियड डेफिनेशन है इसकी ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ टेन ग्रुप स्टार्टिंग फ्राम ग्रुप थ्री टू ट्वेल्व हर पीरियड जो है मुश्तमिल होता है दस ग्रुप पे जो के स्टार्ट होता है कहाँ से ग्रुप नंबर थ्री से लेकर ग्रुप नंबर ट्वेल्व तक ठीक है और ये बिलोंग करते, है, करते हैं बिलोंग टू डी ब्लॉक ऑफ प्रोडिक्टेबल टेबल के डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं एंड हैव वेरिएबल वेलेंसी और इनकी जो बेलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है मतलब कि वो चेंज हो सकती है वो एक या दो हो सकती हैं ठीक है इनके जैसे कॉपर की वेलेंसी प्लस वन भी होती है प्लस टू भी होती है आयरन की वेलेंसी प्लस टू भी होती है प्लस थ्री भी होती है तो इस तरह से इनकी बेलेंसी जो हैं वो वेरिएबल होती हैं इसलिए इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स फॉर एग्जाम्पल कॉपर है जिंक है कोबाल्ट है निकल है एक्सेट्रा या आप लोग जो हैं वो ये जो येलो कलर से हाईलाइट की हुई हैं इनमें से भी लेकर जो है वो लिख सकते हैं समझ आ गई पॉडिक टेबल में या आपकी बुक में जो है वो पीरियड और ग्रुप्स के भी पैराग्राफ दिए गए हैं मैंने जो हैं वो दोनों आप लोगों को पैराग्राफ करवाए हैं वो एज आ लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आए ठीक है उसमें से Uh, कुछ जो है वो सिर्फ एक आध शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों ने याद कर लेने हैं ठीक है और उनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कल आप लोगों को आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे बेसिक डेफिनेशंस की हेडिंग में तो आज हम लोग जो हैं वो टेबल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे बाकी तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कल पढ़ी जाएंगी तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी अटोमिक रेडियस हाफ़ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक् ऑफ टू बॉन्डिड एटम कि जब आप लोगों को मैंने बताया था कि एक एटम जो है वो कभी भी अकेला नहीं रहता वो किसी दूसरे एटम के साथ जो है वो जुड़ के रहता है सिवाए नोबल गैसेस के वो आज़ादा ना रह सकती हैं तो जब एक एटम किसी दूसरे ऐटम के साथ जुड़ता है तो उनके दरम्यान जो फासला होता है ठीक है उसका आप लोगों ने हाफ लेना है जो जो हाफ होगा उसको आप लोग कहते हैं उस एटम का अटोमिक रेडियस ठीक है चूँकि दो एटम्स अटैच हैं तो आप लोगों के पास वो मोलिक्यूल बन जाता है लेकिन अगर आपसे सिंगल एटम का जो है वो रेडियस पूछा जाता है तो आप लोगों ने फिर उन दोनों पूरे डिस्टेंस को मैयर करके तो आपने उसका हाफ़ लेना है यानी कि टूब पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो कि उस एटम का अटोमिक रेडियस कहलाएगा अब एग्जाम्पल देखें फॉर एग्ज़ाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक् ऑफ टू कार्बन एटम्स इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म कि जब वो एलिमेंटल हालत में हैं कि जब वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ एलिमेंट की फॉर्म में एलिमेंट में ज़्यादा सारे एटम्स जो हैं वो आप लोगों ने पढ़ा था कि ए, एक ही जगह पर मौजूद होते हैं तो इनका डिस्टेंस 154 पिकोमीटर होता है अटोमिक रेडियस का यूनिट जो है वो पिकोमीटर है यानी कि पी ठीक है इट मीनस इट्स हाफ अब हमने इसका हाफ़ लेना है तो हाफ़ यानी कि आपने 154 को 2 पे डिवाइड कर देना है तो आंसर आ जाएगा 77 सेवन पी एम इज़ रेडियस ऑफ कार्बन एटम जो कि रेडियस कहलाएगा कार्बन एटम का अब यहाँ पे मैंने आपकी बुक में सिर्फ कार्बन एटम की एग्जांपल डिस्कस की गई है लेकिन मैंने यहाँ पर क्लोरिन क्लोरीन का भी जो है वो एटॉमिक रेडियस बता दिया है 99 पिकोमीटर होता है और कार्बन का भी है 77 पिकोमीटर और क्लोरीन और कार्बन का भी है 176 पिकोमीटर ठीक है समझ आ रही है तो ये जो है वो आप लोगों के पास इनका एटॉमिक रेडियस लिखा हुआ है मैंने आप लोगों को एक टेबल बनवाया था ट्रेंड्स के हवाले से ठीक है टॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स पढ़ने से पहले हम उस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं ये टेबल अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप लोगों को सारे के सारे जो हैं वो ट्रेंड्स याद रहेंगे सबसे पहले है अटोमिक रेडियस फिर उसके बाद है शील्डिंग फैक्ट फिर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन इफिनिटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तो आप लोगों ने ये याद रखना है अटोमिक रेडियस और शील्डिंग फैक्ट को अगर आप लोगों ने सपोज करना है कि ये दोनों अपट्ठे हैं और जो तीन हैं नीचे वाले आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन इफिनिटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी अगर इन तीनों को आप लोग जो हैं वो एक ही कैटेगरी में रखते हैं तो याद रखने में आसानी हो जाएगी इसलिए मैंने भी उसी तरतीब से लिखे हुए अटोमिक रेडियस का ट्रेंड आप लोगों ने याद रखना है तो बाकी सारे ट्रेंड आप लोगों को याद रहेंगे अटोमिक रेडियस का ट्रेंड है इनक्रीज ग्रुप में और पीरियड में डिक्रीज अब मैं आप लोगों को अगली स्लाइड्स में बताती हूँ कि ये इंक्रीज क्यों होता है डिक्रीज क्यों होता है यानी कि हम इसकी रीजन भी डिस्कस करेंगे ठीक है उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट है ये ग्रुप में इंक्रीज होता है एज लाइक ऑटोमिक रेडियस ठीक है पीरियड में डिक्रीज होता है अब आप लोगों ने इनके ऑपोजिट जो है वो याद रखने हैं ठीक है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप में डिक्रीज इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी भी डिक्रीज इलेक्ट्रोनटिविटी भी डिक्रीज लेकिन पीरियड में तीनों की तीनों इंक्रीज होती हैं समझ आ रही है ऑपोजिट याद रखने है? अब यहाँ पे अटोमिक रेडियस का जो है वो ट्रेंड लिखा हुआ है ठीक है जो मैंने आप लोगों को डायग्रामेटिकली जो है वो दिखा दिया है अब आप लोग इसको जो है वो विजुअलाइज कर लें यानी कि अपने दिमाग में इस तस्वीर को बिठा लें कि जो है वो असल में यही वाला जो ट्रेंड है यही वाली जो रीजंस हैं यही आप लोगों के पास अटोमिक रेडियस में और बाकी तमाम शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन इफिनिटी और बाकी तमाम में यूज़ होनी है इसलिए इस जो है वो टेबल को अच्छे तरीके से इस डायग्राम को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना है ठीक है अब आप लोगों को पहली पहला ग्रुप देखें या पहली लाइन देखें ठीक है उसमें आप लोगों को नजर आ रहा है कि पहला जो हाइड्रोजन एटम है वो छोटा सा है उसके बाद लिथियम है वो उससे बड़ा है सोडियम उससे बड़ा है पोटाशियम सोडियम से बड़ा है ठीक है रोबीडियम जो है वो उससे बड़ा है सीजियम उससे भी बड़ा है तो आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे जो आप लोगों ने अभी टेबल में कहा कि अटोमिक रेडियस जो है वो ग्रुप में इंक्रीज होता है नीचे की तरफ जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है लेकिन अगर हम लोग जो हैं वो अब पीरियड की बात करें यानी कि अगर हम लोग जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट देखें तो फिर क्या नज़र आ रहा है लिथियम का साइज़ बड़ा है उसके बाद बेरेलीम का साइज जो है वो उसके बाद आ, उससे छोटा हो गया है जबकि उसके बाद बोरोन का साइज उससे भी छोटा कार्बन का उससे छोटा नाइट्रोजन का उससे छोटा ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से छोटा फ्लोरीन का ऑक्सीजन से छोटा ठीक है और उसके बाद नियॉन जो है वो उसका फ्लोरीन से भी छोटा साइज है ठीक है ये एन ई -E है एन सी नहीं है ठीक और बी ई -E है बी सी नहीं है तो यहाँ पे जो है वो पीरियड में आप लोगों ने कहा कि अटोमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है यहाँ पे वाजिया नज़र आ रहा है कि एटम का साइज़ जो है वो छोटा होता जा रहा है एटम का साइज़ जितना छोटा होता जाएगा उसका रेडियस भी उतना ही छोटा होता जाएगा रेडियस हम कहते हैं न्यूक्लियस से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक के फासले को ठीक है अब आप लोगों ने इसको लिखना कैसे है ट्रेंड ऑफ अटोमिक रेडियस इन पीरियड सबसे पहले पीरियड का डिस्कस कर लेते हैं आपने पिछली स्लाइड में ये तो देखा कि इनक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है अब वजह क्या है वजह यहाँ पे मैं बता रही हूँ ठीक है पीरियड में क्या होता है जो कि आप लोगों ने कहा अटोमिक रेडियस डिक्रीज होता है कम होता है इन पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो अटोमिक रेडियस डिक्रीज अटोमिक रेडियस कम होता जाता है बिकॉज क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है ठीक है अब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की भी डेफ़िनेशन आगे आएगी वो होता है न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ठीक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है कि न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होता जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा और सॉरी कम होता जाएगा उसका अटोमिक नंबर बढ़ बढ़ रहा है ठीक है अटोमिक नंबर के बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है कि न्यूक्लियस की पावर ज्यादा हो जाती है एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है और इलेक्ट्रॉन भी चूंकि ज्यादा हो रहे हैं तो वो किस में आ रहे हैं टेक प्लेस इन द सेम शेल वो एक ही शेल के अंदर जो है वो ऐड होते जा रहे हैं जब तक वो शेल कंप्लीट नहीं हो जाता वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो उसी शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहते हैं समझ आ रही है जैसे कि लिथियम में जो है वो आप लोगों के पास थ्री इसका अटॉमिक नंबर होता है दो तो इसके के शेल में आ गए और एक इसका एल शेल में आ गया अब एल शेल में आठ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो जब तक आठ नहीं पूरे हो जाते ठीक है तब तक जो है वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे जैसे बेरीलियम के, के शैल में दो होंगे एल शेल में भी दो होंगे उसके बाद जो है वो बोरोन में एल शेल में आ, तीन होंगे और केशल में दो होंगे क्योंकि उसका फाइव फाइवरटोमिक नंबर है ठीक है तो इसी तरह से जो है वो वन बाय वन करके एल शेल में ही इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे जिसकी वजह से एटम का साइज छोटा होता जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होती जा रही है अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज होती है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्शन की वजह से उस एटम का रेडियस जो है वो कम हो जाता है यानी कि एटॉमिक साइज कम होता चला जाता है ठीक है अब हम ग्रुप पे बात करते हैं इन ग्रुप फ्राम टॉप टू बॉटम अटोमिक रेडियस इंक्रीजेस अटोमिक रेडियस इंक्रीज होता है बिकॉज अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडिड अप इन द सक्सेव पीरियड सक्सेसि पीरियड के हर अगले आने वाला पीरियड ठीक है विच डीक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब हम लोगों ने जो हैं वो ग्रुप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वन एटॉमिक नंबर है तो उसके पास के शेल होता है वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है लीथियम का उसके नीचे ही बिल्कुल लीथियम है थ्री एटॉमिक नंबर है लेकिन वो दो के शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं एक शेल ऐड हो गया ठीक है तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो बचता है तीन उसका टॉमिक नंबर है तो तीन इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो के में आगे और एक जो है वो फिर नेक्स्ट एल शेल में आ जाएगा शेल इंक्रीज हो गया उसके लिथियम के नीचे बिल्कुल आता है सोडियम जिसका टॉमिक नंबर होता है इलेवन यानी कि उसके पास इलेवन इलेक्ट्रॉन है दो के शेल में आ गए आठ जो है वो एल शेल में आ गए टोटल हो गए टेन अभी भी एक बचता है फिर अगला शेल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा के एम शेल में वो एक इलेक्ट्रॉन आएगा समझ आ रही है अब देखें वन बाय वन करके शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं तो इन शेल्स के बढ़ने की वजह से ही जो है वो एटम का साइज बड़ा होता चला जाता है क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो अब जितना शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब होगा उस पर होल्ड ज्यादा होगा जितना शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसका न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो उस शेल पे कम होता जाएगा समझ आ रही और एटम का साइज बड़ा होता जाएगा ग्रुप में नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम इसका जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट आप लोगों ने अभी जो वो charge, है वो पढ़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ठीक है इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है अब आप लोग पढ़ेंगे कि ये होता क्या है मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया है कि ये जो है वो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो है वो होल्ड होता है तो अब दोबारा से बता रही हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चार्ज यानी कि जी इफेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन डैट ऑफ द एक्चुअल चार्ज विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने जितनी यानी कि उनकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होनी चाहिए ठीक है वो उससे कम फील करते हैं ठीक है एक्सपीरियंस की जगह फील का लफज भी इस्तेमाल कर सकते हैं वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो ठीक है जो के अब देखें के शेल है ठीक है और एल शेल है दो शेल है उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस है अब है है तो तो दोनों दोनों ही शेल तो दोनों को इक्वली जो है वो अट्रैक्शन देनी चाहिए थी न्यूक्लियस को लेकिन वो क्या करता है के शेल के साथ जो है वो ज्यादा उसकी अट्रैक्शन होती है एज कम्पेयर टू एल शेल ठीक है जो जिस चीज के जितना ज्यादा करीब होता है ठीक है उसके साथ उसकी उतनी ज्यादा बॉन्डिंग होती है उसके साथ उसकी उतनी ही ज्यादा अट्रैक्शन होती है तो सेम यहां पे भी ऐसे ही है कि जो शैल ठीक है न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है न्यूक्लियस उसको ज्यादा अट्रैक्शन देता है तो फिर वैलेंस वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जितनी उनको अट्रैक्शन मिलनी चाहिए थी वो उससे कम फील करते हैं जिसको आप लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ आ रही विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है यहाँ पे आप लोगों को न्यूक्लियस नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर और उसके बाहर जो है वो मैंने दो शेल्स जो हैं वो ड्रॉ किए हुए हैं के शेल और एल शेल ठीक है इसमें जो है वो के शेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं और एल शेल में तीन इलेक्ट्रॉन हैं अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है शील्ड लफज जो है वो इसका मतलब होता है रुकावट ठीक है जैसे आप लोग घरों में जो हैं वो गर्मियों में ग्रीन कलर की शेड इस्तेमाल करते हैं वो क्या करती है वो शील्ड करती है सूरज से आने वाली रेडिएशन्स को ज़मीन तक आने से ठीक है ऐसी करती है ना कि वो धूप को ज़मीन पे पड़ने से जो है वो रोकती हैं आप धूप को रोक रहे होते हैं तो वो एज अ शील्ड वर्क करती है तो यहाँ पे क्या है इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट का यहाँ पे भी सेम वैसा ही मतलब है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाएगी न्यूक्लियस की बात की जाएगी एटम की बात की जाएगी ठीक है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शैल ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि इनर शैल में मौजूद होते हैं ठीक है स्क्रीन और शील्ड दोनों लफज इस्तेमाल कर सकते हैं रोकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ठीक है कि जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपने तक ही रोक लेते हैं ठीक है फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो कि इनर शैल में प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शील्ड कर लेते हैं कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक उतनी जो है वो ना जाए जितनी के उनके पास रहे ठीक है तो यहाँ पर देखें आप लोगों को नजर आ रहा है कि जो के शैल में मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं उनकी न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन होगी एज कम्पेयर टू एल शैल के इलेक्ट्रॉन के समझ आ रही है तो इसको आप लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं कि जब इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पहुंचने से रोकते हैं तो वो एज आ शील्ड जो है वो वर्क कर रहे होते हैं फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो न्यूक्लियस से आने वाली अट्रैक्शन के रास्ते में रुकावट का काम कर रहे होते हैं नेक्स्ट आ जाती है शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड ठीक है शील्डिंग इफेक्ट का क्या ट्रेंड है इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज बिकॉज क्यों डिक्रीज होता है बिकॉज साइज़ ऑफ़ एटम डिक्रीज एंड या ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या सिंपल न्यूक्लियर चार्ज का लफज भी इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है शीलिंग इफेक्ट जो है वो आप लोगों के पास पीरियड में डिक्रीज हो जाता है क्योंकि एटम का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है किस वजह से कि न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीज़ हो जाता है लेकिन पीरियड में क्या होता है सॉरी इन ग्रुप में क्या होता है इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम शीलिंग फैक्ट इंक्रीज़ शीलिंग फैक्ट जो है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे की जाने भी इंक्रीज होता है क्यों क्योंकि बिकॉज साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ एटम का साइज़ बड़ा होता जाता है और वो क्यों एटम के साइज़ बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियर uh, चार्ज जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है समझ आ रही है ये इसके जो हैं वो ट्रेंड्स हैं इन दोनों के ट्रेंड्स अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं इनका क्वेश्चन जो है वो ट्रेंड्स की फॉर्म में भी आता है और दूसरे लफ्जों में जो है वो ये भी कहा जाता है वाई साइज ऑफ एटम इंक्रीज इन पीरियड वाई साइज ऑफ एटम डिक्रीज इन पीरियड वाई साइज ऑफ एटम इंक्रीज इन ग्रुप ठीक है और उसके बाद जो है वो आ, वाई शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज इन ग्रुप वाई शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज इन पीरियड तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है थैंक यू नाइन्थ क्लास अच्छे तरीके से रिवीजन करें